हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वाइंट प्लान बी के मेंबर पैनल को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए फिर मैं आगे शुरू करता हूँ इस प्लान के बारे में। तो ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो ये रहा हमारा यूज़र पैनल। ये कम्प्लीट यूज़र पैनल का ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। बैलेंस 107.15 USD, प्रॉफिट 42 USD, कमीशन 65.15 USD, टोटल इनकम क्या हो गए 107.15 USD। तो ये आपको यहाँ पे चार्ट मिल रहा है जहाँ से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो कि क्या आपका प्रॉफिट है, कितने बैलेंस हुए हैं, कितने कमीशंस बने और टोटल इनकम आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे एंटर किया तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने एंटर किया सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन, मैनुअल पेमेंट करना है तो मैनुअल पेमेंट, परफेक्ट मनी के थ्रू तो परफेक्ट मनी के थ्रू। जैसे ही आप यहाँ पे परफेक्ट मनी पेमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपना एंटर करो अमाउंट, कितने अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग आपका मिनिमम 100 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने 100 का किया, ठीक है, और पे नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही आपने पे नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट टू पेड 100 USD, क्लिक ऑन पे नाउ। आप पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परफेक्ट मनी का एक पेमेंट आ जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है पेमेंट करने का, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करोगे, न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया तो उसको यहाँ से न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको डेट दिख जाता है, आपने कौन से डेट को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और कितने अमाउंट से आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपकी रिमेनिंग इनकम कितने बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको हर इन्वेस्टमेंट पे 300% का जो इनकम मिल रहा है वो इनकम का रिमेनिंग अमाउंट आपको कितना बना, ठीक है, और कितने आपको मिल चुके हैं। जो आपको अमाउंट मिल चुके हैं वो आपको यहाँ पे बैलेंस पे दिखेंगे, जो आपको रिमेनिंग बचे हुए हैं, रिमेनिंग दैट मीन्स कि आपके अमाउंट कितने और बचे हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो करेंगे रिमेनिंग अमाउंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, लाइक अगर आपने $600 का इन्वेस्टमेंट किया तो $600 का इन्वेस्टमेंट यानी कि उसका 300% मिलेगा, 1800 USD। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। और आपको यहाँ पे हिस्ट्री से यहाँ पे क्लिक करने पे आपको हिस्ट्री शेयर होगी और यहाँ पे स्टेटस आपकी रनिंग आ जाएगी और यहाँ पे एक्शन अपग्रेड का है। और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपकी यूज़र आईडी यहाँ पे, आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे नॉट येट दिखेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यहाँ पे इन्वेस्टेड दिखेगा, और आपने कितने टोटल इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे आपको दिखेगा। डेली बोनस, इसमें 1% डेली बोनस जो आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आपको डेली बोनस यहाँ पे मिलता रहेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। रेफरल, आपने अगर किसी को रेफर किया तो ये यहाँ पे दिखेगा रेफरल इनकम। लेवल इनकम आपको यहाँ पे दिखेगा, बाइनरी इनकम यहाँ पे दिखेगा, पेंडिंग अगर आपने विड्रॉल लगाया है तो वो फर्स्ट विड्रॉल आपका पेंडिंग में दिखेगा और जैसे ही अप्रूव होता है तो वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कितने डायरेक्ट किए वो यहाँ पे दिखेगा और आपके कितने डायरेक्ट इनएक्टिव है वो यहाँ पे दिखेगा। फंड वॉलेट में आपके फंड में कितने अमाउंट है वो यहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा, लेफ्ट सेल राइट सेल कितने हैं वो दिखेगा, लेफ्ट वेटिंग और राइट वेटिंग क्या है वो दिखेगा। स्पॉन्सर आईडी, आपने कौन से स्पॉन्सर से अपने आपको एक्टिवेट किया है वो यहाँ पे दिखेगा। अपना रेफरल लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी लेफ्ट कॉपी राइट, आप लेफ्ट में जा करके कॉपी कर सकते हैं तो लेफ्ट में लोग जुड़ेंगे, राइट का कॉपी करेंगे तो राइट में जुड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो मान लेते हैं कि आपने 600 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 600 का इन्वेस्टमेंट में आपको 300% जो रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 300% मिलेगा आपको सारे इनकम मिला करके मिल रहा है, ठीक है, लेवल इनकम, डायरेक्ट इनकम, रेफरल इनकम, ये सारी चीज़ें, सारे इनकम मिला करके आपको 300% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कंपनी के साइड से, जो कि आपको 300% का रिटर्न मिल रहा है एट एनी कॉस्ट,
एंड नाउ तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि अगर आपने 600 का किया और आप अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आपके पास $107 आ गए हैं अभी तक रिटर्न, तो आपका ये बैलेंस है, तो आप चाहते हैं कि इसमें से और इन्वेस्टमेंट करना, तो आप यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक कीजिए और कितने का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लेते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस अलग है और आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो अलग है। तो ये जो वॉलेट बैलेंस है, जिसको हम लोग वॉलेट फंड बोलते हैं, आपको जैसे कि यहाँ पे अभी ऑलरेडी फंड वॉलेट में $100 हैं और आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट जो होगी वो फंड वॉलेट से ही कटेगी, आपके मेन बैलेंस से कभी नहीं कटेगा। ये ध्यान में रखना है, मेन बैलेंस से इसमें कभी भी नहीं कटेगा, आपका जब भी कटेगा वो फंड वॉलेट से कटेगा। तो अगर मान के चलते हैं, अगर आपके पास अभी सपोज $100 है फंड वॉलेट में, ठीक है, $100 है, तो आप चाहते हैं कि मैं $200 का इन्वेस्टमेंट आज करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अमाउंट। ट्रांसफ़र कैसे करने पड़ेंगे, करंट टू फंड, करंट वॉलेट से, यानी कि जो आपके टोटल जो बैलेंस है, तो ये टोटल बैलेंस जो आपका आ रहा है ये हो गया करंट वॉलेट, ठीक है। तो ये करंट से आपको फंड में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जैसे ही आप करंट से फंड में ट्रांसफ़र करते हो, मान लेते हैं अभी आपके करंट वॉलेट में कितने हैं, 107.15, तो इसमें से 100 आप ट्रांसफ़र करते हो, 100 ट्रांसफ़र जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका वॉलेट जो है फंड वॉलेट यहाँ पे $200 का आ जाएगा, $200 आपका यहाँ पे शो करेगा। तब आप यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 100 का अगर आपको मान के चलें 200 का करना है तो 200 डालेंगे और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 600 पहले से था और 200 और हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे, $800 का आपने इन्वेस्टमेंट किया। और $800 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा, $2400 आपका हो जाएगा, राइट। और ये आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा, उसमें से जितना आपने ले लिया है और जो रिमेनिंग इनकम बचेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और आप हिस्ट्री पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपका बचा हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर आप मेंबर पे जाओगे, माई स्पॉन्सर पे क्लिक करोगे, तो स्पॉन्सर्स दिखेंगे। इसके बाद कमीशन पे जाकर के आप डेली बोनस, रेफरल बोनस, लेवल बोनस, बाइनरी बोनस, ये सारा चीज देख सकते हो।
नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे आपका फर्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, इसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको अपग्रेड पे क्लिक करके आपका सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट। पेमेंट आप मैनुअल करो, बिटकॉइन से करो, परफेक्ट मनी से करो, ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने का है करंट से फंड में, फंड से अदर्स में। आप किसी को भी अपने फंड से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आप अपने करंट वॉलेट से अपने फंड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवॉर्ड। अगर आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है कंपनी के साइड से, तो आपका यहाँ पे अचीवमेंट यहाँ पे दिखेगा आपको, आप अचीव किए हो या नहीं किए हो। जेनेलॉजी में आपको यहाँ पे ग्रिड व्यू और ट्री व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो यहाँ पे आप न्यू विड्रॉल पे क्लिक करके अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, और जो भी विड्रॉल सक्सेसफुल होता है या फिर पेंडिंग होता है तो आप व्यू स्टेटमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट पे क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट पे जाकर के आप सपोर्ट ले सकते हो। तो आपको जो कंपनी के हेड होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, या कंपनी के जो जो भी सुपीरियर होंगे वो आपको हेड करें गाइड करेंगे। तो ये रहा ओवरऑल यूज़र डैशबोर्ड का कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कहीं भी कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें क्या क्या आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कंपनी का रेफरल लिंक हो गया, वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उस पर जा कर के चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो आप कंपनी के सपोर्ट टिकट पे जा कर के उससे सपोर्ट ले सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। सो ओवरऑल मैं अगर बता दूँ तो ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया प्लान है जहाँ तक मेरी नज़र में है। और आप देख सकते हो कि मैं तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने एंड से ये सारी चीज़ें देख लो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट सपोर्ट टिकट से जा कर के कंपनी के जो सुपीरियर हैं उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, कि जहाँ से आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें जितना से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें।